विश्व प्रसिद्ध सुगंधित वनस्पति धनंतरी गच्छ को पृथ्वी रे प्रत्येक देश रे व्यवहार करा जाउची। एहा जीवाणु कीटाणु एवं फंगस को नष्ट कर दिए। एथिरे एंटीऑक्सीडेंट गुण एंटी इंफ्लेमेटरी गुण एंटी बैक्टीरियल गुण एवं एंटीसेप्टिक गुण मिले। एहा को कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज रे साबुन शैम्पू फेस क्रीम डिओड्रेंट मस्क्यूटो रिप्लेंट वैपोराइजर मस्क्यूटो इनसेंट स्टिक बग स्प्रे बायोपेस्टिसाइड भावरे व्यवहार करा जाए। किचन सरफेस क्लीनिंग करिया पाई बाथरूम क्लीनिंग करिया पाई कॉकरोच दूर करिया पाई बुढ़ियाणी स्पाइडर दूर करिया पाई पिंपुड़ी को दूर करिया पाई मध्य उपयोग करा जाउची। एहा सहित सुगंध प्रसाधन जिनिस रूम फ्रेशनर बाथरूम फ्रेशनर कार परफ्यूम शरीर रु दुर्गंध दूर करिया पाई डिओड्रेंट भावरे मध्य उपयोग करा जाउची। एही गछर तेलर एक्सपोर्ट मार्केट रे अधिक डिमांड हेबा कारण रु एही गछ को कमर्शियल मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग करा जाउची। धनंतरी गछर धान गछ परी 45 प्रजाति पृथ्वी रे मिले। एहा को दुई भाग रे विभक्त करा जाइची सबुज रंगर एवं लाल रंगर। एही गछर पत्र को दळी करी सुंगिले लेंबू परी सुगंध आसे एणु यहार नाम लेमन ग्रास कुहंती। अमेरिका रे एहा को सिंट्रोनेला कुहंती। लेमन ग्रास ऑयल मार्केट रे पर लीटर 1,000 to 2,000 टंका रे बिक्री करा जाउची। सिंट्रोनेला ऑयल पर लीटर 1,200 to 8,500 टंका रे बिक्री करा जाउची। तेलर क्वालिटी अनुसार रेट निर्धारित करा जाए। एही तेल तैयारी करिया पाई स्टीम डिस्टिलाइजेशन प्रक्रिया रे तैयारी करा जाए। एहार कंचा पत्र को मध्य 150 to 300 टंका पर्यंत बाजार रे बिक्री करा जाउची। धनंतरी गछर 45 प्रजाति भितरु 12 गछ लेमन ग्रास प्रजाति रो अटे एवं 33 प्रकार गछ को सिंट्रोनेला प्रजाति कुहंती। लेमन ग्रास सबुज रंगर हुए। यार पत्र अन्य प्रजाति थारु छोट छोट एवं पतला हुए। लेमन ग्रास रो बोटानिकल नेम साइम्बोपोगन साइट्रोट्रस। यहाँ को खाद्य पदार्थ रे मध्य व्यवहार करा जाए जेमिती कि सालड सूप मटन तैयारी करिया पई व्यवहार करा जाए। यहाँ को औषधीय रूप रे मध्य खांती एवं लगाइबा पई स्प्रे करिया पई व्यवहार करा जाए। लेमन ग्रास टी को पीले चिंता अवसाद रु मुक्ति मिले। पेट यंत्रणा दूर करिया पई ठंडा काश गला यंत्रणा गला संक्रमण कम करिया पई मुंड बिंदा हेउथिले ज्वर पई कुर्मी निवारण पई डायबिटीज पई कैंसर प्रतिरोध करिया पई। एहार कंचा पत्रर मंज भाग को चा परी तैयारी करी पियंती एवं लेमन ग्रास ऑयल को हाड़ गंठी यंत्रणा मांसपेशीर यंत्रणा फुला दरज कम करिया पई निद आसिया पई मुंडरु रूपी एवं उकुणी दूर करिया पई चर्म रोग दूर करिया पई मुंडरे कुंडेई होतिले मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करिया पई लेमन ग्रास ऑयल 2 to 5 बुंदा को नड़िया तेल रे मिसाई लगांती। एही गछर पत्र को घसी नियारे रखी घरे धुआं दियंतु मशा तुरंत मरी जाए। घर विषाणु एवं कीटाणु मुक्त हुए। नारंगी रंगर अन्य प्रजाति को सिंट्रोनेला प्लांट कुहंती। एही गछर पत्र देखिया पाई समान लागे किंतु सिंट्रोनेला गछर मूल लाल किंबा नारंगी रंगर हुए। पत्र गुड़िक लंबा लंबा हुए। एहाकु मध्य लेमन ग्रास परी व्यवहार करा जाए किंतु डॉक्टर तोमर चीफ साइंटिस्ट ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सीमैप लखनऊ अनुसार सिंट्रोनेला गछ को केवल बाहर अंगरे उपयोग करा जाए। यहाँ खातु नहीं किंतु पारंपरिक लोक चिकित्सा प्रणाली रे एही गछ को अल्प परिमाण रे औषध परी खाती। यहाँ
मूत्रनलीर संक्रमण दूर करने शरीर को विषमुक्त करने शरीर फुला दरज कम करने हजम शक्ति वृद्धि करने हेल्दी हार्ट पाई डिप्रेशन एंजाइटी दूर करने गछर भितरे मंज भाग को किंबा सुकिला पत्र को चाय तैयारी करी अल्प परिमाण रे अधिकतम तीन दिन पर्यंत पियंती यार तेल को मस्क्यूटो रिपिलेंट भावरे रूम फ्रेशनर भावरे डिओड्रेंट भावरे कार परफ्यूम भावरे आरोमा थेरपी रे अरोमेटिक कैंडल रे फ्लोर क्लीनर भावरे किचन सरफेस क्लीनर भावरे व्यवहार करा जाए। यही तेल को नड़िया तेल किंबा ओलिव ऑयल सहित दुई रु पांच बुंदा मिसाई मालिश करती। वर्षा दिन में पाद नख कण पाचिथिले पादर आंगुठी मझीरे घा सुखिबापाई गछर पत्र को पानी रे सिजाई पाद धुअंती। चर्म रोग पाई उकुणी रूपी दूर करिया पाई उपयोग करा जाए। पिंपल्स एवं रिंकल्स पाई ग्लोइंग स्किन करिया पाई हेयर शाइनिंग करिया पाई एवं ऑयली स्किन दूर करिया पाई यूज करा जाए। पेट जंत्रणा पाई एवं ऋतुस्राव विकार पाई एहार सुकिला पत्र को चाय तैयारी करी पियंती। पशु चिकित्सा रे मध्य एहाकु उपयोग करा जाए। गाईर पेट जंत्रणा हेउथिले कुर्मी निवारण पई किछि पत्र को अन्य घास सहित मिसाई गाई को खाया को दियंती। सिंट्रोनला गछर बोटानिकल नेम साइम्बोपोगन नार्डस संस्कृत रे धनंतरी तृण सुगंध तृण भूतृण छत्र तृण सुमाली हिंदी रे निंबू घास सुगंध घास बंगाली एवं ओडिया रे धनंतरी गछ कहती। यही लाल रंगर मूलवाला सिंट्रोनला पत्र दली करी सुंगिले लेमन ग्रास ठारु अधिक तीव्र लेंबू चोपा परी सुगंध आसे। एहार पत्र को पानी रे सिजाई तार बाष्प ग्रहण करिले श्वास नली रे हेउथिबा संक्रमण दूर हुए माइग्रेन पेन दूर हुए बंद नाक खोली जाए नाक भितरे हेउथिबा संक्रमण दूर हुए निद भल आसे छाती रे बसी जाइथिबा कफ तरली जाए मन मस्तिष्क को शांति मिले। बिछा महुमाछी बलुरी डंक मारिथिले एहार पत्र बाटी करी क्षेत जागा रे लगांतु। सिंट्रोनेला ऑयल एवं लेमन ग्रास ऑयल मेडिसिन स्टोर मिले एहाकु कैरियर ऑयल सहित निज घरे व्यवहार करिया पाई निज घरे एहाकु तैयारी करि परिबे मध्य। सिंट्रोनेला ऑयल को तैयारी करिया पाई धनंतरी पत्र एवं पत्र मंज को खंड खंड काटी करी नड़िया तेल किंबा ओलिव ऑयल सहित प्रेशर कुकर भितरे रखी करी स्लो फ्लेम रे घंटाए दुई घंटा गरम करंतु। पुणी एहाकु छाणी करी कोला किंबा ब्राउन रंगर बोतल रे छाणी करी भल भावरे ठिपी बंद करंतु। कारण एथेरे उड़नशील तेल मिले ठिपी भल करी बंद न करले तेल गुड़क उड़ी जाए। धनंतरी गछर एते गुड़िए भल गुण हेबा सहित किसी साइड इफेक्ट मध्य हुए। यही गछ दुई चारिटी पत्ररु अधिक उपयोग करंतु नाही एवं तीन दिन रु अधिक मध्य सेवन करंतु नाही। गर्भवती महिलांक पाई एहाकु व्यवहार करिबा उचित नुहे छोट पिलांक मानकु व्यवहार पाई उचित नुहे। इंटरनला ऑयल शरीर रे सीधा लगांतु नाही एहाकु नड़िया तेल रे दुई तीन बुंदा मिसाई लगांतु एवं यही तेल लगाइबा पूर्वरु शरीर रे एक छोट जगार यहाँ लगाई चेक करंतु। कारण यह समस्त को सूट करे नाही जदि चर्म रे इरिटेशन हो लगातु ना। यही तेल को आखि ठारु दूर रे रखंतु। धन्यवाद।